तुर्की के सुर में बोले इमरान खान, मुस्लिमों को भड़का रहे हैं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों। बड़ी खबर, तुर्की के सुर में बोले इमरान खान, मैक्रों ने इस्लामोफोबिया को बढ़ाने का रास्ता चुना, ये कह रहे हैं इमरान खान। पाकिस्तान ने फ्रांस के राजदूत को समन किया, ये बड़ी खबर है। और ये कहा जाए क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम की ये एक जो आग भड़काई अजरबैजान आर्मेनिया के युद्ध से टर्की ने, वो उसको लेकर गए फ्रांस, उसमें अब इमरान खान भी कूद गए। अनिल सर, योर टेक। देखिए, इमरान खान जो है वो बहुत पहले से, या पाकिस्तान कहिए, उनकी लीडरशिप जो है एक तरह से इस्लामिक लीडरशिप को और इस्लाम को एक कॉज बनाकर के आगे इंटरनेशनल रिलेशंस में वो बढ़ते हैं। वैसे ही सऊदी अरेबिया के साथ जब उनके रिश्ते थे वो भी इसी वजह से थे कि वो इस्लाम की वजह से। दूसरा, टर्की के साथ में ख़ास तौर से पाकिस्तान ने ये कोशिश करी है और इमरान खान ख़ास तौर से ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अपने लोगों की जो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं उससे उनको कैसे भटकाया जाए। तो इसीलिए जो उनके स्टेटमेंट्स आए हैं, या अर्दोगान ने कल स्टेटमेंट दिया फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि वो इज इन क्रैक नट केस, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पूरा जो एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस काइंड ऑफ चीज है कि क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के बीच में वो उसको बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अमेरिका में इस वक्त मॉर्निंग हो रही है। एंड सुमित, वी वांट टू हियर सम मोर न्यूज एंड गुड न्यूज फ्रॉम यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।